Hey guys, welcome back to our channel Rainbow Sugar Adi Promi Blogs. So guys, welcome back with another powerful pack एक वीडियो के साथ. सो गाइज क्या होने वाला है आज? आज होने वाला है प्राइड. तो गाइज साल जरूर खत्म हो रहा है बट प्यार खत्म ना हो, इसीलिए हम लोग आ गए हैं आज क्या करने इधर हम लोग आ गए हैं पार्टिसिपेट करने कोलकाता का बिगेस्ट प्राइड जो है 20वां साल इस साल. तो 2023 का लास्ट प्राइड जो कि कोलकाता का प्राइड और सबसे बड़ा प्राइड. सो एंजॉय द प्राइड गाइज, हैप्पी प्राइड. तो गाइज घर से निकलने के बाद फिर हम लोग ने ट्रेन पकड़ लिया और हम लोगों को जाना था हावड़ा. फिर उसके बाद हावड़ा से जाना था पार्क सर्कस जिधर से प्राइड स्टार्ट होगा. Guys, we have reached. तो चलो चलते हैं, अभी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है. तो गाइस नाम तो मुझे नहीं बताया उस टाइम, भीड़ में सुनाई भी नहीं दे रहा था, बट उन्होंने आके मुझे सबसे पहले बोला कि आदि वी वॉच योर वीडियो. तो सेल्फी वगैरह लिया मेरे साथ, फिर मैंने भी हक करके हैप्पी प्राइड बोला और फिर आगे हम लोग ने बहुत मस्ती शुरू कर दिया. और मैंने थोड़ा बोला कि चलो आ जाओ ब्लॉग में भी मेरे साथ. तो ये अपना टी शर्ट दिखा रहे थे और ये बोल रहे थे कि ये सेकंड प्राइड है इनका और ये मुझसे मिलने आए हैं इधर. तो बहुत अच्छा लगा मुझे. तो थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच इतना प्यार.
করতে ওরা বহু মাস পরে খেতে আজকের দিনের জন্য আপনি এটা করেছিলাম সবাইকে রিকোয়েস্ট করছি This amazing pride, this historic pride. We are entering the historic Park Street shortly, reclaiming our place. Come, walk with us, walk a mile in our shoes. गाइस मैं क्या बताऊँ यार, जस्ट आश्चर्यचकित, इतना ज़्यादा क्राउड, बाप रे बाप गाइस, जस्ट क्राउड देखो आप लोग, कितने लोगों का प्यार, कितने लोगों का ये जो आसरा है, जो लोग आते हैं इधर प्राइड में, इतना प्यार, मतलब सीरियसली यार, ये प्राइड मतलब सक्सेसफुल होना ही होना है हर साल। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि जिन लोगों ने अभी तक प्राइड पार्टिसिपेट नहीं किया है, उन लोगों के लिए कि प्राइड में एक बार ज़रूर पार्टिसिपेट करो यार, बहुत मज़ा आएगा, बहुत ज़्यादा, क्योंकि सिर्फ डांस ये सब नहीं, बस खुल के रहने का जो मज़ा है ना यार, वो माय गॉड, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। इतना तबीयत ख़राब होने के बावजूद हमने फिर भी, मैंने बोला कि नहीं, हम जाएंगे प्राइड पे, तो इस बार तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और एक और बात कि मेरा जो फर्स्ट प्राइड था उसमें जो मेरा फीलिंग्स था वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था मुझे, बहुत खुल के मैंने फर्स्ट टाइम ऐसे प्राइड, जो प्राइड में मैंने अटेंड किया था, और अभी जब मैं करता हूँ ना तो अलग ही मेरे में एक अलग ही मतलब कॉन्फिडेंस आ चुका है यार। और जो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं उनके लिए हमारी तरफ से ये स्पेशल वीडियो यार, एंजॉय करो वीडियो।
सोचा कि चलो कुछ कहाँ पे जाते हैं, रेस्टोरेंट में खाना खा के फिर मैप खोल लिया, देखते हैं। हाँ तो नहीं जा पाए, फिर भी चलो कुछ कोई नहीं, अभी चलते हैं रेस्टोरेंट में, उधर जाके दिखाते हैं, ठीक है चलो बाय। तो गाइस हम लोग मतलब स्टार्ट कर दिया है, क्या बोलते हैं हटा के ठीक हो मैडम, वाह कोची हमरा चल रहे चल रहे। हाँ चलते चलते कहाँ पे है रेस्टोरेंट नहीं पता यार। देखो गाइस कितना अच्छा लग रहा है, अगर ये लोग उठेगा ना मुझे मरेगा यार है इन दोनों में। हाँ गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं एक रेस्टोरेंट में और अभी ऑर्डर दे रहा है, इतना जोरों का भूख लग गया है सबको, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं और आदि बिल्कुल भी बात नहीं कर पा रहे, इसलिए मुझे अकेला अकेला बात कर रहा है भाई। इसके बाद तो इतना जोर का भूख लग गया है, पहले खा लेते हैं फिर बात करते हैं, ठीक है। गाइस फाइनली आ चुके हैं हम दोनों का, मतलब हम दोनों का नहीं हम सबका खाना, खुश इसका तबीयत ना बहुत ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब है यार, क्या बताएं। तो गाइस खाना स्टार्ट हो गया है, देखो सबको। तो गाइस फाइनली हम लोग घर जा रहे हैं इतने देर बाद, इसका इसको देखो कहाँ गए रे, सो गया पहन के। चलो गाइस घर घर में जाके फिर बात करते ठीक है, चलो। और गाइस आज प्राइड के साथ साथ बर्थडे था सुबह का भी, तो हम लोग उसी लिए उसके लिए लिए रहे थे केक, और अभी हम लोग करेंगे सेलिब्रेट सुबह का बर्थडे। तो गाइस आज है सुबह का बर्थडे और अभी हम लोग प्राइड से लौट के विश्रामपुर में सुबह का बर्थडे मनाएंगे। हाँ वो भी ओपन रोड में, ओपन रोड में देखो गाइस, क्योंकि हम लोगों को कलकत्ता में कोई भी नहीं मिला, कोई भी दुकान वुकान कुछ भी हम लोग ढूंढ नहीं पाए। हम लोग मैं 1 किलोमीटर चल के गई थी दुकान ढूंढने के लिए, फिर भी मुझे नहीं मिला क्रिसमस का केक, तो इसीलिए हम लोग श्रीरामपुर में आके। चलो हैप्पी बर्थडे टू यू, क्या सवाल ये मैं निभाली ना, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे भाई, हैप्पी बर्थडे, थैंक यू। आज तक कार्ड बेचारे को लग जाएगा यार, कैसे काटा है देखो। चल कर जल्दी कर, व्हाट इज कुछ। देखो हालत, देखो हालत, देखो ऐसे ऐसे घर जाना, ठीक है बहुत दूर जाना है, ऐसे कौन कर रहे हैं, उसको लेके बहुत दूर जाना है, कुछ भी मेरा फैमिली, हाय मेरा गुरुगुरु, हाय गुरुगुरु, मेरा फैमिली लोग ऐसा कैसे हैं बीच रास्ते पर बोलने देगा। तो गाइस मतलब घर में जाके फिर बात करते, देखो हम लोग सब प्लान आदि और पूरी के साथ घर वापस आ चुके हैं। हाँ और बहुत ज्यादा थक चुके हैं, बहुत ही ज्यादा, ऑलरेडी हम लोग बहुत ज्यादा थके हुए हैं, कितने दिन से हम लोग बाहर थे, जर्नी कर रहे थे काम वाम के सिलसिले में, और आज फिर से इतना ज़्यादा टायर्ड। तो एनीवेज गाइस उधर तो मेरी आवाज़ बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा था, इधर थोड़ा बहुत सुनाई देगा, मेरा आवाज़ थोड़ा बहुत ठीक हो रहा है, अभी तक पूरा पूरा ठीक नहीं हुआ है। वैसे उसका वॉइस बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा। तो आज बहुत लोग उसे मिले, बहुत अच्छा लगा, सब लोग आके मुझसे सब लोग पहचान लिया है। सब लोग आके मुझसे मिले, यही सबसे बड़ी बात मुझे अच्छी लगी, मैं ऐसा ही इंसान हूँ यार, मुझसे आके मिलोगे तो मैं अच्छे से मिलूंगा, अगर आपको दूर से देख के ऐसे लगेगा कि यार आप जाऊंगा एटीट्यूड है, ऐसा कुछ नहीं है, बात की करेगा भी कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है गाइस, कहीं पे भी दिख जाओ मैं आप लोग को आके बस बता देना,
मैं आप लोग से प्यार से मिलूँगा, सबसे मिला हूँ, प्यार से मिला हूँ। एंड आज का प्राइड बहुत मस्ती किया हम लोग ने, बहुत डांस वांस किया हमने। मतलब हम दोनों का कोई प्लान नहीं था कि हम लोग जा पाएंगे, आज जाने का कोई प्लान नहीं था। इसका इतना ज्यादा तबीयत खराब था, मतलब इवेंट खत्म हुआ, घर आया कल, कल मतलब हम लोग लौटे हैं और आज बस आज हम लोग गए हैं प्राइड पे। तो एनीवेज अगर नहीं जाते तो मिस हो जाता, क्योंकि ये है कोलकाता का बिगेस्ट प्राइड आफ्टर ऑल, 28th प्राइड टू से, मतलब 20वां साल है ये प्राइड का। तो अच्छा लगा, एंजॉय किया और ऐसे ही प्राइड करते रहो यार, लोगों तक पहुंचनी चाहिए हमारी जो इच्छा है, तो अच्छा है। मेरा जब फर्स्ट प्राइड मैंने अटेंड किया था तब जो मेरा फील हुआ था आज मुझे सेम फील होता है, और मैं बहुत झूम के नाचता हूँ। हाँ, लोगों ने मतलब देखा है, नहीं, बहुत सारा लोग सब सब लोग सब कुछ भुला के नाचते हैं। एंड इन यू फाइंड द सेफेस्ट प्लेस ओवर देयर, उधर कोई तुम्हें जज करने वाला नहीं है, कोई तुम्हें बोलने वाला नहीं है कि तुमने लड़कों जैसा क्यों पहना है। मतलब सबसे बड़ी बात यही अच्छी लगती है मुझे कि कोई उधर जज करने वाला नहीं होता है, आपको ऐसे देखने वाला, उस नज़र से देखने वाला लोग नहीं होता है। तो उधर जो अलग सी एक वाइब मिलती है और शांति मिलती है ना, एक एक मिनट के लिए भी नहीं लगता कि कोई भी एक दूसरे को नहीं पहचानते, सब अपने में वाइब कर रहे हैं यार, सब अपने में डांस कर रहे हैं। मैं तो पता नहीं किस किस के साथ डांस करने चला गया था और नहीं यार मुझे अच्छा लगा, मुझे अच्छा लगा कि सब लोग इतना अच्छे से मिल रहे हैं, एक दूसरे के साथ डांस कर रहे हैं, तो इधर एक फैमिली जैसा मिलता है यार वाइब, है ना। तो गाइज मैंने तो बहुत एंजॉय किया, और अगर आप लोग में से कोई और भी थे उधर तो कमेंट में ज़रूर बताना। हाँ, कौन कौन था उधर ये ज़रूर बताना, ज़रूर बताना, और किस किस के साथ मैं मिला हूँ वो भी ज़रूर कमेंट करके बताना। और गाइज कैसा लगा आज का वीडियो, और गाइज एक बात बोलना चाहती हूँ, आज से ब्लॉग आते रहेंगे क्योंकि इवेंट अभी ख़त्म हो चुका है, ठीक है, और लास्ट में भी फ्री हो चुके हैं थोड़ा बहुत, तो अभी ब्लॉग्स आएंगे पक्का। इसके बाद और एक इवेंट वाला ब्लॉग आएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है वो। हाँ, इसके बाद जो ब्लॉग आने वाला है ना उसके लिए वेट करो, हम लोग ने सोचा वो पहले अपलोड करेंगे, बट फिर हम लोग ने सोचा कि नहीं, प्राइड पहले कर देते, प्राइड पहले करते, तो प्राइड पहले फिर आगे जो होगा देखा जाएगा। चलो आज का वीडियो यही तक, मिलते हैं दूसरे नए वीडियो के साथ, टिल देन बाय बाय, सी यू, हैप्पी प्राइड गाइस, लव यू गाइस, प्यार करते रहो, प्यार बांटते रहो और किसी से डरने का नहीं भाई, प्यार किया है तो प्यार किया है यार। चलो सब्सक्राइब कर देना।